बीजेपी ज्योति मिर्धा के बाद मिर्धा परिवार के अन्य दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा में बीजेपी ने सोचा होगा मिर्धा परिवार के सारे नागौर बेल्ट में स्थिति मजबूत हो जाएगी। लगता है कि उसका प्लान बैकफायर कर सकता है, क्योंकि पूर्व मंत्री अजय सिंह कीलक ने बोल दिया कि अगर बीजेपी मिर्धा परिवार के दिग्गजों को टिकट देती है तो बीजेपी वर्कर्स की हत्या होगी। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नागौर बेल्ट में मिर्धा परिवार का सियासत में दबदबा रहा है। नाथुराम मिर्धा के वक्त तो नागौर की सियासत ही उनके आसपास घूमती थी। उनके नहीं रहने के बाद मिर्धा परिवार की सियासत धीरे धीरे सीमित होती गई। नाथुराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद संभावनाएं जताई जा रही कि मिर्धा परिवार के अन्य दिग्गज भी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री अजय कीलक ने मिर्धा परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भेरुंदा में पूर्व मंत्री और डेगाना के पूर्व विधायक अजय कीलक ने कहा कि इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि डेगाना के विधायक विजयपाल मिर्धा और पूर्व विधायक ब्रिजपाल मिर्धा भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह डेगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। अजय कीलक ने मिर्धा परिवार की बीजेपी में एंट्री का कड़ा ऐतराज जता दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इस बात को ऊपर तक जानी चाहिए ये बात, कि यदि पार्टी ऐसा कुछ भी सोच रही है, या डेगाना के विधायक को लेने की सोच रही है, या डेगाना के पूर्व विधायक को भारतीय जनता पार्टी में लेने के लिए सोच रहे हैं, या उनको कोई टिकट देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये डेगाना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। अजय कीलक नागौर जिले में एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता राम रघुनाथ चौधरी भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। लेकिन अजय कीलक ने बीजेपी ज्वाइन की, वो पिछली वसुंधरा राजे सरकार में सहकारिता मंत्री थे। अब उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर डेगाना के विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनका टिकट कट सकता है। इसी के चलते उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात पर ऐतराज जताया है। वो ऐसे व्यक्ति है, मारवाड़ी में कहे ना कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अगर लड़का काटी है तो भी को नाम है ब्रिजपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा। इसलिए हमारी इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से सबके सब ये चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने चाहिए। क्यों दिलीप सिंह जी ऐसे ही बात है को नहीं, आपा ही गणा हो तो महेंद्र जी बैठा करने आपा ही गणा, क्यों बार बारों को बुलाते। इधर ज्योति मिर्धा ने भी इन परिस्थितियों को भांप लिया और मकराना में सभा के दौरान कहा कि उनके लिए अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं है। मूल बीजेपी की जो कार्यकर्ता और नेता है उन्हें किसी तरह से आशंकित होने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला उद्बोधन है मीडिया से और कई जगह पार्टी के मंच पर तो मुझे बोलने को मिला, लेकिन जनता के बीच आकर के, क्योंकि मैं एक नए परिवार में आई हूँ भाजपा के परिवार में, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि लोगों ने कहा यहां क्या होगा, आपके कार्यकर्ताओं का क्या होगा, आप बीजेपी में आ रहे हो आपका क्या होगा, आपके लोगों का क्या होगा, बीजेपी के जो हम मूल बीजेपी के लोग हैं हमारा क्या होगा, और उसके लिए कोई आपको अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आते ही सियासी नेताओं का एक दल से दूसरे दलों में जाने का सिलसिला तेज हो जाता है। जाहिर है पहले से पार्टी में मौजूद नेताओं को खुद के टिकट कटने का खतरा हो जाता है। ऐसे में अजय कीलक का डर गलत नहीं है, क्योंकि मिर्धा परिवार के अन्य लोग भी बीजेपी में आ गए तो गाज किस पर गिरेगी ये सब जानते हैं। बीजेपी इन सबको कैसे खुश रखेगी ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। तो चुनाव नजदीक है और कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। कांग्रेस की टिकट के लिए महिला नेताओं का संघर्ष भी किसी से कम नहीं है। पिछली बार चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची महिला विधायक इस बार फिर से टिकट कंफर्म मानकर के चुनावी तैयारी में जुटी हैं। तो कई महिला नेता पार्टी की टिकट के लिए गांव ढाणियों में जनता का भरोसा जीतने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस में आखिरकार आधी आबादी की चुनावी तैयारी कैसी है ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के चुनावी समर में एक बार फिर
कांग्रेस के महिला विधायक पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जोधपुर शहर से विधायक मनीषा पंवार, रामगढ़ विधानसभा से विधायक सफिया जुबेर और शेरगढ़ जोधपुर की विधायक मीना कंवर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं। तीनों फिर से चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। मैदान में कूद रहे हैं और बहुत अच्छा जोधपुर का विकास, जोधपुर के गृह जिले से मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई कमी नहीं है, लोगों का प्रेम स्नेह मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे साथ है और पूरी कोशिश करेंगे कि जीत कर एक बार पुनः आए, कांग्रेस की सरकार बने। और अभी भी हमको 92 सड़कें दी है, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि हम लोग वापस आएंगे और वापस से विधानसभा में हमारी महिलाओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। महिलाओं की संख्या विधानसभा में बढ़ाएंगे आपके बार। खातून की तादाद में इजाफा होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। कांग्रेस ने 2018 में 27 महिलाओं को टिकट दिया था, इनमें से 15 चुनाव जीतकर विधानसभा की चौखट तक पहुंचने में कामयाब रही। सरकार में ममता भूपेश और शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो जाहिदा खान को राज्य मंत्री बनाया गया। विधायक कृष्णा पूनिया मंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें ताकतवर समझी जाने वाली क्रीड़ा परिषद की कमान सौंपी गई। विधायक के तौर पर दिव्या मदेना से लेकर रीटा चौधरी विधानसभा में अपनी पहचान कायम करने में कामयाब रही, मगर इस बार इन खुशकिस्मत महिलाओं के अलावा बड़ी संख्या में युवा महिला शक्ति टिकट के लिए कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। गांव ढाणियों से लेकर खेतों की पगडंडियों तक पर महिलाएं जनता के बीच में संघर्ष कर रही हैं। रुक्मणी कुमारी चौमो से कई सालों से संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं के बीच उनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। तो डॉक्टर शिखा मील बराला चिकित्सा के पेशे से दूर राजनीति में अपना नया मकाम तलाश कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ चुकी मीनाक्षी मीना पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद अब दौसा की महवा सीट से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रही हैं। लेकिन महिलाओं की टिकट की राह में फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। दावेदारों की बड़ी फौज है, पार्टी के सर्वे हैं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक है और जनता के बीच लोकप्रिय होने की जरूरत अलग से। लेकिन आधी आबादी जनता को जनार्दन मान उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिशों में जुटी है। काम कर रही हूँ लगभग 10 साल से और मुझे लगता है कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। कैंडिडेट्स महिलाएं ज़्यादा होंगी तो महिलाओं के लिए लड़ पाएंगी, तो महिला कैंडिडेट बहुत ज़रूरी और हमने भरपूर 10 साल महिलाओं की आवाज़ बढ़ाई और धरातल पे कार्य किया है। और अभी मैं वहाँ पे पंचायत समिति सदस्य इलेक्टेड हूँ और मैं वहाँ से लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ, गांव-गांव जाके, ढाणी-ढाणी जाके मैं लगातार लोगों से मिल रही हूँ। चौमू में हमारा जनसंपर्क लगातार चल रहा है, सिर्फ अभी राजनीति के लिए नहीं, पिछले बहुत से सालों से। और यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारी समस्याएं समाज में है जिसके लिए मैं महिला होने के नाते भी यहाँ का अगर प्रतिनिधित्व करती हूँ तो महिलाओं की जो शिक्षा है उसका स्तर, महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है उसका स्तर सुधारने के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। महिलाओं में कांग्रेस से टिकट के लिए आकर्षण की एक वजह गहलोत सरकार की महिला समर्पित योजनाएं भी मानी जा रही हैं, जिन्हें देखकर महिला नेता मतदाताओं से सरकार के रिपीट होने की उम्मीद लगा रही हैं। लेकिन टिकट की दौड़ कितनों को मंजिल तक पहुंचाएगी ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस की महिला विधायकों ने 5 साल तक जनता की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जनता के दुख दर्द में भागीदार रही, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया और लोकप्रियता के पैमाने पर वो मर्दों के मुकाबले कहीं कम नहीं है। मगर फिर भी टिकट की गारंटी नहीं है क्योंकि पार्टी ने जो क्राइटेरिया तय किया है उस पर खरा उतरना सबसे जरूरी है। अगर खरे उतर भी जाते हैं और टिकट मिल भी जाता है तो एंटी इनकमेंसी का भी आधी आबादी को सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। तो चुनावी साल है और राजनीतिक दल ऐसा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते जिससे कि आम जनता के बीच में अपनी पार्टी और खुद की छवि सुधार सके। और ऐसे में लोक आस्था के पर्व बाबा रामदेव मेले में इस बार राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भजन संध्या का आयोजन करवा रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी परिवर्तन यात्रा का आगाज बाबा रामदेव के दरवाजे से ही किया है। दोनों ही पार्टियों की कोशिश आस्था के समंदर में डुबकी लगाकर के अपनी राजनीतिक वैतरणी को पार लगाने की है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ईश्वर की शरण में हैं। बेनेश्वर धाम से शुरू हुआ यह सफर अब पश्चिमी राजस्थान के लोक आस्था के केंद्र रामदेवरा तक पहुंच चुका है। दोनों ही पार्टियों के नेता बाबा रामदेव के मेले के बहाने जनता के दिलों में उतरने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा का आगाज रामदेवरा के रुनिचा धाम से किया,
तो कांग्रेस बाबा रामदेव के भादवा मेले में भजन संध्या के जरिए हिंदू वोट बैंक को और मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस जब चुनाव आता है तब वो क्या करती है कि जितने भी हिंदुओं के ये तीर्थ स्थल है, तो लोक देवताओं के बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पे जाके ये भजन संध्या, संगीत संध्या सब जगह करती है। लेकिन जब ये चुनाव निकल जाते हैं इसके बाद इनको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सनातन विरोधी पार्टी है और इनका गठबंधन भी सनातन विरोधी है। तो अब सिर्फ चुनाव को देखते मतदाताओं को लुभाने के लिए संगीत भजन संध्याएं आयोजित कर रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश बोराना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हर बार ऐसे आयोजन होते हैं, इसे सियासत से जोड़ना गलत है। एकेडमी पहले भी ऐसे कार्यक्रम करती रही है, हम तो अभी हमने जो है दरगाहों पे जो है सूफी के आयोजन किए, कव्वालियों के आयोजन किए, हमने परशुराम महादेव में आयोजन किए, हमने पाली में आयोजन किए भक्ति संगीत के कार्यक्रम, ये एकेडमी का फिक्स पॉइंट प्रोग्राम है। लेकिन हम चाहते हैं भी मेले में क्योंकि भक्तजन और दर्शक ज्यादा आते हैं तो उनकी भावना के भी कार्यक्रम होने चाहिए, इसलिए बाबा के मेले में हम पहले बाबा के मेले में बाहर कार्यक्रम करते थे या रामदेवरा रुणेशा में करते थे, इस बार जोधपुर में कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। धर्म और आस्था हम सबकी भावना का इश्यू है, इसमें क्या राजनीति देखनी है। बहरहाल चुनावी साल में दोनों ही पार्टियों के नेताओं की टेम्पल रन तेज होने वाली है। अब देखना होगा कि चुनाव में भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन जीत कर विधानसभा पहुंचेगा। रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक, तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चाएं ऐसी हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पहले कैलाश मेघवाल और अब विधायक सूर्यकांत व्यास ने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है, या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी फिर से चरम पर पहुंच गई है। और इन सब सियासी बयानबाजियों के मायने आखिरकार क्या हैं, ये तो जनता को ही तय करना होगा। लेकिन आप ये खास रिपोर्ट देखिए। जोधपुर के सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास उर्फ जीजी ने पुष्करणा समाज के प्रतिनिधियों के बीच सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ की और सीएम की सार्वजनिक तारीफ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया हुआ, मानो सियासी भूचाल आ गया, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वीडियो में सूर्यकांता व्यास यहां तक कहती नजर आईं कि जिस तरीके से पुराने जमाने में राजा महाराजा जनता की सेवा करते थे, वैसा ही इस युग में अशोक गहलोत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुष्करणा माता है, एरो काम किया है कि आज तक कोई भी नहीं करियो, या तो महाराजा राजा महाराजा करियो या अशोक जी कर दो है। इतो 4,75,00,000 रुपया अगर इन्हें वास्ते सैंक्शन किया है। अब मूर्ति बहुत एक ऐतिहासिक और इन्हें मूर्ति न देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोकी हम कैसे खड़े हो, तो आज वो दिन आयो, आज वो सपनों साकार कर दिया है। अशोक जी गहलोत मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। जाहिर है चुनावी साल में कोई विधायक अपने विपक्षी नेता की तारीफ करे तो सियासत होना लाजिमी है। विधायक सूर्यकांता व्यास की सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास को चुनावी साल में ऐसे बयानों से दूर रहने की हिदायत दी है। समाज की तरफ से एक धन्यवाद देने की कोशिश की कि मंदिर के निर्माण में आपका जो सहयोग है उसके लिए धन्यवाद है, परंतु इतिहास गवाह है कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी ने कितने मंदिर तोड़ने का अपराध किया है और कितने हिंदू मुस्लिम एकता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है, इसलिए राजस्थान की जनता उनको इस मायने में कभी माफ नहीं करेगी। सीएम की तारीफ से कांग्रेस फूली नहीं समा रही, आखिर हो भी क्यों ना, चुनावी साल में कोई विपक्षी विधायक सीएम के कामकाज की तारीफ करे तो खुश होना लाजमी है। देखिए सूर्यकांत व्यास जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने सत्य बात कही है, उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। जी का धन्यवाद देना बनता है क्योंकि उनके विधानसभा में कोई काम की कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री जी ने भी, तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाते, एक विधायक के नाते उनको धन्यवाद दिया है।
और इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।